ओके सो कंटिन्यू द प्रीवियस वन, ठीक है। आगे लेंथ से कन्वर्सन सीखेंगे, कन्वर्सन करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो ही प्रॉब्लम होती है ना। ये तो लिख लेंगे, फिर भी याद कर लेंगे व्हाट इज वन सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन मीटर मीटर इन किलोमीटर, व्हाट इज द इस वन व्हाट इज सेंटीमीटर इन मीटर, ये सब रिलेशन तो हम लिख लेते हैं। लेकिन जब आती है कन्वर्शन की बात, ठीक है, कन्वर्शन की बात आती है तो देखिए एक बेसिक चीज मैं बता दूं, सिंपल आपको करना क्या है, जैसे 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, बुक में और कहीं कहीं पे 2 स्पेलिंग चलता है, ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश होता है और एक होता है अमेरिकन इंग्लिश, इसलिए यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में TRE वाला 2 स्पेलिंग मिलेगा आपको, ठीक है, 2 स्पेलिंग मिलेगा यहाँ पे, तो उसको आप दोनों लिख सकते हैं। सो 4 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, 4 मीटर में कितने बार आएगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 4 बार आएगा, ये कितना है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, कितना होगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 × 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो 100 इसीलिए देखिए 4 × 0 = 4 × 0 = 4 × 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो आसान होगा, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं आपके इसी में कन्वर्ट करना समझ में आया, ठीक है, ये तो हो गया मीटर से सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर। तो कुछ फिलअप्स दिया हुआ है बुक में, ठीक है, पेज नंबर 52 फिलअप्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है। 3 मीटर, मीटर का शॉर्ट फॉर्म या एम बस लिख सकते हैं आप, क्या है तो 3 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है ना, 3 × 100 सेंटीमीटर मीन्स 300 सेंटीमीटर, ये आपको खाली स्थान करके ये तो कर दे दिया है, अगला में उसके बाद है 5 मीटर, 5 × 100 500 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 9 मीटर, 6 मीटर, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यह हो गया, अब आएंगे दूसरा टाइप का कन्वर्शन, है ना, ये तो हो गया डायरेक्ट कन्वर्शन, इसमें आपको 8 × 100 9 × 100 ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसका दूसरा टाइप का, ठीक है, जिसमें उसको मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे करना है, जब मीटर से सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। यस, एक दिया हुआ है आपको एग्जांपल, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 मीटर का कितना होगा सेंटीमीटर में, 500 सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, 525 सेंटीमीटर। तो जब भी मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं आप डायरेक्टली देखिए 525 सेंटीमीटर, मीटर को हटा के आप 5 को इधर ला सकते हैं, ठीक है, ये टेक्निक है 25, तो आप क्या करेंगे 5 को इधर लीजिए, मीटर को हटा दीजिए, 525 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ट्रिक कैसे करना है। सो ये मीटर से सेंटीमीटर में है, सभी में काम नहीं करता है, कुछ जगह को छोड़ के बाकी सब में काम करता है, ठीक है, सिर्फ कुछ जगह पे छूटता है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और दिया हुआ है 7 मीटर 87 सेंटीमीटर, क्या करेंगे 7 × 100
700 सेंटीमीटर 87 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसको बस कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको चेंज करेंगे, तो 7 जोड़ दो, 8 और 7 हो गया 787 सेंटीमीटर। तो देखिए मीटर को हटाने से वही आएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा ट्रिक क्या करना है आपको। सो इस तरह से एक को क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं, है ना, पूरी ही प्रॉब्लम, तो इनको कर लीजिएगा कंप्लीट और पोस्ट करिएगा वीडियो फोटो। एक करते हैं डबल डिजिट वाला, 20 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 मीटर 95 सेंटीमीटर, 20 × 100 क्या होगा 2000 सेंटीमीटर और ये 95 सेंटीमीटर। कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें टू डिजिट है मतलब वो वहाँ पे आगे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो 95 सेंटीमीटर और कुछ नहीं, इतना ही करना है आपको, ठीक है, बहुत इजी है, इजी टास्क है ये, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं कल बताऊँगा एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका, और कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही है वो भी करेंगे कल, ठीक है, तो वो दोनों मैं कल करा दूँगा। इसके बाद आएंगे केजी किलोग्राम में, ठीक है, ये तो हो जाएगा, इसके बाद किलोग्राम में आएगा। तो आपके मेजरमेंट के 3 टाइप के यूनिट मीनिंग पढ़ेंगे आप लोग, लेंथ, वेट और कैपेसिटी, ठीक है। तो वेट क्या है, आप लोग वजन उठाते हैं बहुत भारी है, बहुत हल्का है, अपने दोस्त लोग उठाते हैं तो वो हल्का है मेरे से, तो वजन है मेरे से, है ना। लाइकवाइज अगर आप स्टेटमेंट बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं, है ना, तो वो वेट की बात करते हैं आप। और कैपेसिटी आप अपने भाई बहन लोग से कंपेयर करते हैं, अरे तेरे गिलास में ज़्यादा दूध है, मेरे गिलास में कम है, या ज़्यादा पानी है, कम पानी है, ठीक है, गिलास बड़ा छोटा है तो पानी कम ज़्यादा आएगा ही आएगा, है ना, या किसी ने एक गिलास भरा किसी ने आधा भरा है, उसकी वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है, तो उसका डिस्कस करेंगे कि वो लीटर मिलीलीटर उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो दूध आपका जो मेजरमेंट होता है हम किलो में भी देखते हैं, तेल को भी किलो में देखते हैं, लेकिन असली उसका मेजरमेंट मेन जो किस मेजरमेंट में आता है, लीटर में आता है, ठीक है। तो आप 1 किलो तेल जब लेने जाओगे मार्केट में, तो 1 किलो का जो पैकेट आता है, आप बोलोगे 1 किलो का तेल का पैकेट दो, वो 1 किलो नहीं होता है, वो 1 लीटर का होता है, ठीक है। 1 किलो में 910 ग्राम या 900 ग्राम के आसपास मिलेगा वो आपको, ठीक है, मीन्स वो लीटर में ही पैकेजिंग होता है। तो जो भी लिक्विड मटेरियल होते हैं, दूध है, तेल है, ठीक है, वो किसमें मेजरमेंट होते हैं, लीटर में। जब भारी किसी का वजन तोलना है तो वेट में होगा, किलोग्राम ग्राम, ठीक है। अब लंबाई नापना है तो लंबाई के लिए मीटर, ये सब मैंने लिखाया था वो सब आएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे ओनली, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। कुछ फिलअप्स दिए हैं और सेंटीमीटर से मीटर का भी बता दे रहा हूँ, तो ये आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो का आपको हटाना है, मीन्स 400 को 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 400 आ रहा है, तो 4 मीटर, ठीक है, पेज नंबर 52 के लास्ट साइड, लास्ट में नीचे में, ठीक है। वैसे 500 को भी कर सकते हैं इसी तरह से, ओके। एक दिया आपको 1125 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या करेंगे, दो ये जो बाद में आ रहा है ना दो डिजिट, इसको आप सेंटीमीटर में रखिएगा, मीटर या पॉइंट में कर सकते हैं, मीटर, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ जोड़ा था, ठीक है, लास्ट डिजिट ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं ना, तो थोड़ी बड़े जुड़ रहे हैं, इसी का उल्टा करना है आपको, है ना। सो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो बीच से वैल्यू है उसको हटा के आप सेंटीमीटर में डालिए, पहले दो डिजिट या फर्स्ट डिजिट, इधर के दो डिजिट को आपको सेंटीमीटर में रखना है, और उधर के अगर 00 तो जरूरत नहीं है, 00 वो कट जाता है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं उसको हटा दो, 00 नहीं है तो आप उसको सेंटीमीटर में डालिए, बाकी को मीटर में डालिए, ओके। दिस टू डिजिट जैसे 930 है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 9 मीटर में हो जाएगा, ओके। सो दिस इज कन्वर्शन, ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप, और ये कोई एक्टिविटी करिएगा, ओके, थैंक यू, गुड डे।